का दिन यकीनन हम सब के लिए बहुत अहम है। एक जानब बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जना का यौम पैदाइश है, तो दूसरी जानब सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिटी मलीर कैंपस का संग बुनियाद रखा जा रहा है। आज की तकरीब मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में, सिंध मदरसतुल इस्लाम की ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम तकरीब है। हमारे लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात रही कि वो शख्स इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और हमारे बहुत एक तरह से पैटर्न हैं इस इदारे के, तो उनकी आमद हमारे लिए इंतहाई खुशी का बायस है। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और वफाकी हमारी जो वजारत है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन उनके और वफाकी हुकूमत के कि ये 1.57 बिलियन 1 अरब 57 करोड़ रुपए की फेज़ वन है। ये स्कीम फेज़ वन जो 1 अरब 57 करोड़ की है, पूरा जब ये इदारा इंशाल्लाह 8-10 साल में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये फेज़ वन 3 साल पे मुहित है और इसमें हमारे पास जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्लीट इस कैंपस का, जो रोड है, रास्ते हैं, ग्रीनरीज हैं, वो बननी है। 200 लड़कियों की हॉस्टल है, 200 लड़कों के लिए हॉस्टल है और तकरीबन 35 के करीब स्टाफ रेजिडेंसेज हैं जो फौरी तौर पर जिनकी ज़रूरत होगी। 2 फैकल्टी बिल्डिंग्स हैं जिसमें एक एक फैकल्टी में 4-4 डिपार्टमेंट्स की वहाँ पर गुंजाइश होगी और उसके अलावा हमारे पास जिमनेजियम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, वाइस चांसलर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं। तो ये फेज़ वन का हिस्सा है, उसके बाद फेज़ टू और फिर फेज़ थ्री। अल्टीमेटली जब ये पूरा बन जाएगा तो तकरीबन 12 अरब रुपए की मालियत का ये प्रोजेक्ट होगा। अभी इब्तदा है तकरीबन 1.5 अरब रुपयों से जो कि फेज़ वन है। तमाम साथियों जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल रही, वफाकी हुकूमत भी शामिल रही, हमारे बाकी जो दोस्त हैं मुख्तलिफ इदारों से, सब ने इसको ओन किया और सब ने उसको उस कारे खैर में अपना अपना हिस्सा डाला। We are witnessing and we are in a launching ceremony of Sindh Madrasatul Islam, one of the biggest mega project of Pakistan. I feel honored and I would like to congratulate to Honorable Vice Chancellor and your faculty, and I would see that this campus is Honorable Vice Chancellor mentioned it's a first phase and it's a time of completion is 36 months. After 36 months you will come and you will say the entire campus structure is over here, what Sheikh Saab has mentioned. हम उम्मीद करते हैं कि इस मंसूबे को न सिर्फ ये कि 36 महीनों में कंप्लीट किया जाएगा बल्कि इसके फर्दर फेजेस जो हैं उनको भी जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाएगा ताकि न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के कराची के लिए बिलखसूस और सिंध के आवाम के लिए बिलखसूस जो है वहाँ पे हम देखेंगे कि जो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की सहूलियात मुयसर होंगी। और दिस विल बी अ ग्रेट मोमेंट के इस एजुकेशन सिटी में कायदे आज़म का जो पहले स्कूल था और वो बनते बनते अब यहाँ एक दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन सिंध। इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है और ये हम सब के लिए बायस फ़ख्र है कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे। एजुकेशन सिटी में ये फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है जिसका संगे बुनियाद रखा जा रहा है, तो एजुकेशन सिटी का एक तसव्वुर बड़ा अच्छा है और ये जो 3 साल का चैलेंज है मेरा ख्याल है हम सबको साथ मिल के कबूल करना चाहिए और जब तक मैं गवर्नर हूँ तो मैं आपको ये पूरी सपोर्ट मेरी है। ग्रेट ऑनर टू बी हेयर और इस 3 साल के बाद इंशाल्लाह ताला ये यूनिवर्सिटी बन चुकी होगी।